नमस्कार दोस्तों, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत के युद्ध के लिए चुना था? ऐसा कौन सा रहस्य था या ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही चुना था? वो कोई और भी जगह चुन सकते थे युद्ध के लिए, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही चुना। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है, तो चलिए जानते हैं वो कौन सा कारण था या कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत के युद्ध के लिए चुना था। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ही दिया था, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन आज भी महाभारत से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज हम ऐसे ही एक रहस्य को जानेंगे आज की इस वीडियो में, कि महाभारत का युद्ध आखिर कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था, वो किसी और जगह क्यों नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से करोड़ों योद्धा मारे गए थे। ये संसार का सबसे भयंकर युद्ध था। उससे पहले ना तो कभी ऐसा युद्ध हुआ था और ना ही भविष्य में कभी ऐसा युद्ध होने की संभावना ही है। कुरुक्षेत्र की धरती को महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही चुना था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत के युद्ध के लिए क्यों चुना था? इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो इसके लिए जमीन की तलाश की जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के जरिए धरती पर बढ़ते पाप को मिटाना चाहते थे और धर्म की स्थापना करना चाहते थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ये डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के और सगे संबंधियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं कौरव और पांडव आपस में संधि ना कर लें। इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए ऐसी भूमि चुनने का फैसला किया जहां क्रोध और द्वेष पर्याप्त मात्रा में हो। इसके लिए श्री कृष्ण ने अपने दूतों को सभी दिशाओं में भेजा और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने के लिए कहा। सभी दूतों ने सभी दिशाओं में घटनाओं का जायजा लिया और भगवान श्री कृष्ण को एक एक करके उसके बारे में बताया। उसमें से एक दूत ने एक घटना के बारे में बताया कि कुरुक्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने छोटे भाई को चाकू से गोद कर मार डाला और उसकी लाश को घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। वहां उसकी लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। दूत द्वारा सुनाई गई सच्ची घटना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने तय किया कि यही वो भूमि है जो भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के बीच के युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। श्री कृष्ण अब बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाया गया था, क्योंकि उस भूमि में पर्याप्त मात्रा में क्रोध और द्वेष मौजूद था। इसीलिए तो पुराने बुजुर्ग हमें कई बार कहते हैं कि किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी तरह जान लो, क्योंकि जिस तरह के संस्कार धरती के अंदर मौजूद होते हैं वह उसमें रहने वाले व्यक्ति के अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। इसलिए ना पुराने बुजुर्ग हमें कहते थे कि कोई भी जमीन खरीदने से पहले उसके बारे में जान लो कि कहीं वहां पे कोई ऐसी अप्रिय घटना तो नहीं हुई है जिसके वजह से वहां पर लोग आपस में मर मिटे हों। उम्मीद है दोस्तों कहानी आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।